उनको राहत भर तकलीफ नहीं आई। बोले भैया रोना सुख मतलब क्या है? तब सबर फिर आए, बोले गुरुदेव आपने हम तो संसार में रो ही रहे, आप कह रहे हो रोना सीखो, अब इसका मतलब क्या है? बोले बेटा जब तक बेटा नहीं रोता है ना, तब तक मैया दूध नहीं पिलाती, उसको मैया दूध नहीं पिलाती है। इसलिए जब तक तुम भगवान की नाम को लेकर के रोगे नहीं, तब तक भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। इसलिए क्या करो, भगवान के नाम को लेकर के रो रो करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बोले तुरचीस भगवान के नाम को लेकर के तुम्हारे हृदय द्रवीभूत होने लग जाएगा। लेकिन जब हृदय द्रवीभूत होने लग जाएगा फिर क्या होगा? बोले हसत त्यग, फिर तो वो हंसने लग जाता है, हाँ 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 करते करते हंसने लग जाएगा, बोले पागल हो गया। बोले पागल तो हो गया है, इसलिए यहाँ पर सब पागल बनने के लिए आए। इसलिए बोले पागल तो हो गया, बोले क्यों? बोले कृष्ण प्रेम में सबसे सब पागल हो गए। इसलिए विश्वनाथ जी हम कहते हैं जब ये हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते करते जैसे टीवी में सीरियल आती है ना, उनके हृदय में कृष्ण लीला की सीरियल आने लगते हैं, कृष्ण लीला दर्शन करने लग जाते हैं। तब वो एक कथा सुनाते हैं, बोले एक समय कृष्ण रोज रोज गोपियों के घर में मक्खन चोरी करने जाते हैं। एक दिन एक गोपी ने सोचा कृष्ण जब आते हैं उनका तो एक झलक दर्शन हो जाता है, लेकिन जब चले जाते हैं ना घर तो बड़े दुख हो जाते हैं। बोले आज कृष्ण को घर में बांध करके रखूंगी और पूरा उसको अपना तीर भर करके उनके दर्शन करूंगी। बोले कैसे होगा? बोले आज कृष्ण जब घर में आएंगे ना उसको बांध करके रखूंगी। अभी कृष्ण गोपी पहले से ही मटकी में मक्खन मिश्र धर दिए, कृष्ण आए धीरे धीरे, लेकिन वो गोपी बैठ हुई कहाँ पर घर की कोण में, वो धीरे धीरे आकर के उन्होंने मक्खन मिश्र खाना शुरू कर दिया। गोपी तो खुश हो गई, आज मेरी बनाना सार्थकता हो गया। जब उन्होंने खा लिया ना, इतने में गोपी झट कृष्ण को पकड़ ले, बोले कहाँ जाओगे? चलो आज तक मैं घर में बांध करके रखूंगी। बोले गोपी आज छोड़ दे, कल से नहीं आऊंगी। बोले नहीं चलो, अरे बोले खंभे में हाथ रखो, कृष्ण हाथ रखे, जब अपना रिबन फीता निकाल करके जब बांधने के लिए गई, भगवान का हाथ तो बड़ा कोमल है मक्खन से, लेकिन बंधे ही नहीं, खिसक जाए खिसक जाए। इतने में कृष्ण ने कहा गोपी तुमने खुद कभी बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले जब तक खुद बंधी नहीं जाओ दूसरों को बांधोगे कैसे? बोले तेरे को बांधना ना आता है। बोले और क्या? बोले सिखा दे। बोले रख खंभे को ऊपर हाथ रख। कृष्ण एक लपेटे दो लपेटे, एक कान दो कान और तीन कान अच्छी तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़ा सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या? तुम्हारी बात क्या, बड़े बड़े योगी ज्ञानियों को भी, ब्रह्म ज्ञानियों को भी अपना प्रेम में बांध डालता हूँ। बोले कन्हैया और दे। बोले गोपी अभी तक तो कभी किसको बांधना सिखाए, जीवन में सबको मैंने बांधना है कृष्ण तो क्या। इसलिए श्री विश्वनाथ गुरु ठाकुर कहते हैं ये हरिनाम करते 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 हृदय में ये सब लीला अपनी आप। लेकिन जो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने क्या क्या अष्टकालीय लीला कृष्ण भावना मृत गोविंद लीला करके वर्णना किया है। कृष्ण कौन सा समय क्या क्या लीला करते, ये लोग क्या करते हैं वहां पर बैठ जाते, बैठ करके उसमें सब वर्णना की। सवेरे कृष्ण कैसे मंगलारती के बाद उठते हैं, कैसे गोचारण के लिए जाते हैं, दोपहर में राधा कुंड नहीं तो सूर्य कुंड में जाते हैं, कैसे पासा खेलते हैं, जल विहार नौका विहार कुंज लीला करते, उसको वर्णना की गई। उसको बैठ करके आंख बंद करके चिंतन करने लग जाते हैं। कोई कोई लोग क्या सोचते हैं, बोले बाबा लीला देख रहे हैं। बोले अभी कृष्ण कहाँ पर? बोले कृष्ण अभी गोविंद कुंड। बोले अभी कृष्ण कहाँ पर? बोले कुसुम सरोवर। बोले अभी कृष्ण कहाँ पर? बोले अभी कृष्ण राधा कुंड। बोल देते हैं, बोले बाबा री बाबा तो बड़े सिद्ध महात्मा, ये बाबा तो बड़े सिद्ध। अरे वो नहीं देख रहे, उन्होंने जो वर्णना की गई ना वो सबको चिंतन करते हैं। लेकिन हरिना जो हमारे गोस्वामियों ने, इस चीज को समझो, जब हमारे गोस्वामियों ने जो वर्णना की है वो एक दिन का लीला वर्णना है, लेकिन कृष्ण एक दिन एक लीला नहीं करते, एक दिन में कितने नई 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 लीला
जो अनंत देव अनंत मुंह में अनंत समय से और अनंत प्रभु की महिमा गा रहे हैं, अभी भी कोई था नहीं पाए भगवत लीला, कोई था नहीं पाए अभी भी हाँ। लेकिन जब स्वाभाविक रूप में हृदय से अनर्थ निस्पृत होने पर जो लीला हृदय में स्फूर्ति होता है, वो नई नई लीला हृदय में, नई नई लीला हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते कितनी भी रूप में कोई लीला स्मरण मत करो, आर्टिफिशियली कोई लीला स्मरण नहीं करनी। इसलिए बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा बोले जाता नाग दुर्वचित उच्च असत्य रोदती, कभी हंसते रहते कभी रोते, बोले रोते क्यों, बोले कृष्ण का दर्शन मिला बड़ा आनंद मिला इसलिए हंसे। लेकिन जब हृदय से कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए उनका विरह में फिर रोने लग जाते, उनके विरह में रोने लग जाते, फिर नृत्य भी कभी नाचने लग जाते, बोले क्यों, बोले कृष्ण विरह में इतने इतने रोते हैं अभी मानव प्राण त्याग दे देंगे, इतने में फिर कृष्ण उनको दर्शन दे देते हैं और दर्शन पाते हाथ उठा कर नाचना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। कहते लोक बाह्य कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, सारे हैं लाज लज्जा छोड़ करके प्रभु का चिंतन मन। इसलिए बोले इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तन्नाम रूप चरिता सुकीर्तनानो, उनके नाम रूप चरित्र क्या करो सुकीर्तन, बल्कि कीर्तन नहीं हाँ देखो कीर्तन जैसे कभी कभी हम कीर्तन करते हैं ये भक्ति कुंभ तो संत गोस्वामी महाराज करते हैं मेरे गुरुदेव करते हैं। कभी कभी जैसे गौर कुशलदास बाबा जी महाराज कहते हैं ना जो उनका जो विरह का कीर्तन है, क्या विरह का कीर्तन है, जो विरह में वैष्णव का विरह में हम कीर्तन गाते हैं ना, जय अनिल प्रेम घन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कथा मिला आचार्य देखा, उसमें आता है ना पासारी कुटीब माता आनले पसीब गौरंग गोविंद निधि ओ थगे ले पाव। देखो कीर्तन में कहते हैं कहते महाप्रभु का जो भक्त लोग नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जब महाप्रभु का परिकर एक एक अंतर ध्यान हो रहे और नरोत्तम ठाकुर घर छोड़ करके आ रहे जब सुन रहे हैं रूप गोस्वामी चले गए सनातन गोस्वामी चले गए श्री हैं कहते श्री महाप्रभु चले गए उसी समय वो विरह में जा रहे हैं बोले पासा नहीं कुटी हुआ माथा अनल बसी हुआ कहते ये शरीर को पत्थर में मार करके तोड़ दूंगा उनका विरह में और आंख में प्रवेश कर जाऊंगा कहाँ जाने पर महाप्रभु और नित्या नजर को मिले। इसलिए गौर कुशलदास बाबा जी महाराज कहते थे चार फाटलो तार फाटलो जार फाट लो तार फाट लो, मतलब क्या जिसका फटा उसका हृदय फटा है तुम्हारा तो फट लो, तुम तो गाय गाना चाहिए तुम गा लिए। लेकिन ये नर्तम दास ठाकुर कितने विरह में भगवान की भक्तों की महाप्रभु का विरह में हम प्राण त्याग करते हैं वो विरह में गा रहे हैं लेकिन वो क्या जिसका तो फटा उसका फटा। इसका मतलब है जब हम कोई कीर्तन करते हैं ऐसे नहीं कीर्तन करना चाहिए था लीला उधर गा रहे अमार जीवन सदा पापे रत नाही कपुन्ने रले सा परे रे उद्वे दिया जी जे कत दिया जी जीवे रे के सा। तो क्या कह रहे मेरे जो जीवन हर समय पाप में मेरा जीवन डूबा हुआ है हर समय मैंने दूसरों को उद्वेग दिया है कभी कुछ हम बोल रहे हैं तुमको उद्वेग दिया जीवन पाप लेकिन इधर कितन रहा आप रास रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या मतलब है अभी तुम क्या गा रहे हो तुमको पता है तुम क्या गा रहे हो वो विरह का कीर्तन गा रहे हो हम पापी दुराचारी दुष्ट और इधर हंस रहे हो। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते नहीं भले ही एक कीर्तन करो उसको देखो वो कीर्तन में क्या बोलना क्या चाह रहे उसमें क्या बोल रहे हैं ये चीज को ऐसे ने गाना गा लिया है ये एक साधन की एक बहुत बड़ी अंग है कीर्तन साधन की एक बहुत बड़ी अंग की है कीर्तन। क्यों हमें पता ही नहीं भगवान को भक्तों को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए ये वैष्णव लोगों ने हमें कीर्तन के माध्यम से सिखाया कैसे प्रार्थना करनी चाहिए है। इसलिए वो कीर्तन करते समय मन को लगा करके सोच करके उसमें क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान करते हुए
कीर्तन करनी चाहिए। इसलिए जाना द्रुत जग चरिता एवं तन्नाम रूप चरिता सुकीर्तनानु क्रमेण रसना मन से निजज्ज। पहले रसना जीवा, उसके बाद में मन को, क्योंकि ध्यान जो करेगा मन उसमें लगेगा। हाँ, बोले श्रवण कीर्तन स्मरण, कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ बताया। जब हम कीर्तन करेंगे मन उसमें अपने आप मन उसमें लग जाती है। बोले भजन कैसे करनी चाहिए, बोले निष्ठा न ब्रजे। भजन करने के लिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं वृंदावन में रह करके भजन करो, जाता रहोगे तो भजन नहीं होगा। बोले अगर सबके सब वृंदावन में चले आए पर पैसा कौन देगा? आप लोग मठ में जाकर दोगे, खाना पीना दोगे? अगर सब कुछ छोड़ छाड़ करके अगर सबके सब वृंदावन में आ जाए, अगर सबके सब आ जाए, बोले नहीं, अगर तुम शरीर में नहीं रह सकते हो ना, तो तुम मानस के रूप में ब्रज में वास करो। मानस के रूप में, मैं जो है ना मानस के रूप में। इसलिए भले ही हम बॉम्बे में रह रहे हैं, भले ही हम रसिया में रह रहे हैं, भले ही हम दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ रहते हुए अगर भजन करे ना, मुझे प्रभुपाद कहते हैं मेरे जितने गृहस्थ भक्तों का जो घर है वो राधा रानी के दिंदुज महल है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मैंने संपूर्ण गोलोक वृंदावन का जो राधा रानी का निकुंज महल को मैंने प्रकट कर दिया। जैसे मंदिर में जो जो हम भक्ति हमें जातन करते हैं, अगर कोई बम्बे दिल्ली मद्रास में रह करके अगर वही वही भक्ति की हमें जातन करते हैं, सवेरे उठ करके मंगला आरती करें, उसके बाद में जय ध्वनि दे, तुलसी परिक्रमा करें, कीर्तन करें, फिर हम कहाँ रह रहे हैं? बोले हमारा मन जहाँ पर हम वही रह रहे हैं। अगर हम वृंदावन में रह रहे हैं वृंदावन में, लेकिन जो मन है ना, मन हमारी और कहीं हमारे मन है अपना घर देश दुनिया में, लेकिन रह रहे हैं हमने वृंदावन में। भैया तुम्हारी मन जहाँ पर तुम वही रह रहे, भले ही दिखाई पड़ता है हम तो ब्रह्मचारी सन्यासी, हम तो वृंदावन में रहते हैं, लेकिन अपना घर को साथ में तुम्हारे संबंध है। हलो पिताजी, हलो माता जी, कैसे हो? हैं, रह रहे हैं वृंदावन में, घर में ये परेशानी, घर में ये चीज, घर तो फिर हम रह रहे हैं कहाँ वृंदावन? भले ही हम दिखाई पड़ता है हम ऊपर में रह रहे हैं वृंदावन में, बोले वृंदावन में नहीं रहे, तुम्हारी सोच जहाँ पर है ना तुम वही रह रहे, तुम्हारी जहाँ सोच है यहाँ पर गुंडे क्या नहीं रह रहे, यहाँ क्या बदमाश नहीं रह रहे, जेब जितना बाकी भी आदमी जाओ पॉकेट में पैसा लेकर घूम कर कागज खा लिए, क्या वो वृंदावन वास नहीं कर रहे? वो भी वृंदावन वास कर रहे हैं। इसलिए भैया तुम्हारी मन जहाँ पर है हम तुम वहीं रह रहे हो, भले ही दिखाई पड़ता है हम वृंदावन में रह रहे हैं वृंदावन में, लेकिन जहाँ तुम्हारे मन है हम वहीं रह रहे हैं। इसलिए निष्ठान ब्रजे, कहते वृंदावन में रह करके बोले कैसे वृंदावन में रहनी चाहिए, अपने आप रहनी चाहिए? बोले नहीं, बोले तदानुगामी जना, उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनका जो प्रिय भक्त है, इसलिए तदानुरागी जनानुगामी, जिनकी प्रभु की चरण में अनुराग है, ऐसे भक्तों की आनुगत्य में वृंदावन वास करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे ज्ञान के मिरांदस्य
जन संजस लौलेचा सर्वे भक्ति विनश्यति की जो छह प्रकार की विधि बताई है, इससे बचना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि इससे भक्ति नष्ट हो जाती है। और कह रहे हैं कि साधक को और भी कुछ चाहिए, यदि भक्ति के विरुद्ध तो हमने त्याग दिया, लेकिन भक्ति के अनुकूल जो चीजें हैं उनको हमें पालन करना है। उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सदो व्यक्ते षड्वेर भक्ति विशुद्धति। और जो जोड़ने की और हटाने की वो कह रहे हैं कि हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि छह बे गोदो में छह दो सो दी छह गुना दे राधा छह सत्संग दे इस जगत में नहीं आए होते तो हम क्या समझ पाते क्या कृष्ण भक्ति है। श्रीमन महाप्रभु इस जगत में आए, जब श्रीमन महाप्रभु अप्रकट लीला करके इस जगत से चले गए तो जो श्रीमन महाप्रभु का भाव था कि राधा रानी की जी की जो भक्ति है, जो कृष्ण प्रेम है, उसको देने के लिए वो आए थे। लेकिन जब वो चले गए तो संसार से धीरे धीरे ये चीजें लुप्त होने लगी, एक अंधकार का युग आने लगा। तो उसी समय में उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी जी को प्रकट किया। श्रीमन महाप्रभु जी ने जब श्रील रूप गोस्वामी जी आए तो उन्होंने श्री राधा जी की भक्ति क्या है, उत्तमा भक्ति क्या है और जीव का उद्देश्य क्या है, उस सब को उन्होंने प्रकट किया, प्रकाशित किया। यदि यहाँ तक एक कीर्तन है बहुत सुंदर की को जानत मथुरा वृंदावन को जानत ब्रजनीत। और अगर वो इस वृंदावन में नहीं आते, श्रील रूप गोस्वामी की कृपा से यहाँ नहीं आते, तो हम आज जो वृंदावन में बैठे हैं, श्री मथुरा धाम है, भगवान की जितनी भी हमारे ब्रजमंडल में लीला स्थलियां हैं, शायद ये प्रकाशित नहीं हो पाती। और श्रीमन रूप गोस्वामी जी की जो है बहुत सुंदर रचनाएं हैं, अद्भुत रचनाएं लिखी उन्होंने, जिनमें दलित माधव, विदग्ध माधव और उज्जवल नीलमणि, दान के लिए कौमुदी, जिनमें ललित माधव और विदग्ध माधव का थोड़ा सा बता रहे हैं कि जब श्रील रूप गोस्वामी जी यहाँ वृंदावन में रहते थे तो उनके मन में एक विचार रहता था कि मैं भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का कोई वर्णन किसी नाटक के रूप में करूँ, तो इस प्रकार से वो मन में सोचते रहते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने उस कार्य को प्रारंभ किया श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से। जब उन्होंने ललित माधव और ललित माधव की रचना कर मतलब इकट्ठा कर लिया तो उन्होंने सोचा कि हम इसको एक ही ग्रंथ में प्रकाशित कर देते हैं। उससे पहले वो पुरी में पहुंच गए, सत्यभामापुरी नामक कोई जगह है उड़ीसा में, सत्यभामापुरी नामक कोई जगह है उड़ीसा में, वहां पे वो उस समय रह रहे थे। तो जो सत्यभामा जी हैं उन्होंने उनको रात में स्वप्न दिया कि हे रूप गोस्वामी, आप जो वर्णन करना चाहते हैं ना ललित माधव विदग्ध माधव में, वो एक में नहीं करना, उन दोनों को अलग अलग कर देना। अगली बार जब पुरी में पहुंचे तो श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको भी आदेश दिया स्वप्न में कि जो ब्रज के कृष्ण है उनको ब्रज में ही रखना, उनको द्वारका में भेजना, ये दोनों लीलाओं को अलग अलग वर्णन करना। जब ऐसा उन्होंने कहा तो उन्होंने इस तरह दोनों ग्रंथों की अलग रचना की। और एक बार क्या हुआ, जब श्रीमन महाप्रभु जी अपने सभी भक्तों के साथ पुरी में रहते थे तो बैठे हुए थे, श्री रूप गोस्वामी जी को बुलाया उन्होंने और उनके जो रायनावरण जी नित्य सिद्ध परिकर श्रीमन महाप्रभु जी के हमें साथ में रहते हैं, उन्होंने उनको बोला कि हे रूप गोस्वामी जी, आपने जो विदग्ध माधव नाटक की रचना की है, सॉरी ललित माधव नाटक की रचना की है, उसका हमें मंगलाचरण का कुछ बताएंगे उसके बारे में। तो उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी जी ने इसलिए बोला, अनर्पित चरिम चिरात करुण्या अवतीर्ण करो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सो भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वसति नंदना। इस प्रकार से श्लोक की व्याख्या करी श्रील रूप गोस्वामी जी ने। तो श्रीमन महाप्रभु जी अंदर अंदर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन बाहर से उन्होंने रोष प्रकट किया, क्रोध। तो
सभी भक्तों ने कहा ठीक है ये तो ललित माधव का हो गया, तो विदग्ध माधव का कुछ श्लोक सुनाए, तो विदग्ध माधव का ही उन्होंने एक श्लोक सुनाया। और इस प्रकार से इतना सुंदर वर्णन सुन के सात भक्त जो है प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रीमद् महाप्रभु जी ने उन्होंने आचार्य बनाकर यहाँ श्री वृंदावन में भेज दिया। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने उनकी बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम एन भूतले स्वयं रूप कदा मयम ददाति स्वपदार्थिकम, इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थना करी। उसके बाद श्रील रूप गोस्वामी ने अपना जीवन यही ब्रज में रह के व्यतीत किया। और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, उनकी तो नहीं, हम अपने गुरुदेव के जो आदेश हैं, वैष्णव लोगों के जो आदेश हैं उनको इस जीवन में पालन कर सकें, कर तो नहीं पा रहे हैं, कर सकें, इतनी हमारे आप सबसे प्रार्थना है, हमें थोड़ी सी कृपा प्रदान करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और बीच में से जनार्दन प्रभु जी और भी पुष्पा देव जी, क्या नाम तुम्हारा? अभी जो प्रभु जी कथा सुना रहे थे ना, जो बहुत अच्छा बच्चा है, हर काम को बड़े दायित्व से निभाने वाले, सारे सेवा को इनका सर में कोई आलसता नहीं, कोई आलसता नहीं, किसी सेवा नहीं, भाग दौड़ करके। इसलिए मैं जब पहले दिन आया मैं सोच रहा था भैया नीचे को मैं जब तक नहीं जाऊँगा कोई बिछाएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, मैं जाऊँगा बोलूँगा, लेकिन मैंने भैया सब चीज़ हो गया, लेकिन देखा प्रभु जी मैं बोलने से पहले सारे चीज़ को बिछा करके एकदम एकदम टीप टप करके सब चीज कर रखा। इसलिए जो जितने भगवान की सेवा करे ना, जो जितने, इसलिए बोले न अयम आत्मा प्रवचन न लग्न न मेधया न बहुना सुनते, ये जो आत्मा तत्व है वो मेधा से बुद्धिमान से विद्वता से नहीं होता है। बोले कब होता है? बोले जब जमे बहिष्कर वृणुते न लग्न, जब भगवान किसी को अपना वो ज्ञान देना चाहते हैं तभी वो ज्ञान को कोई प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो देंगे कब? वो देंगे कब? बोल तभी देते ही सेवन मुख इतिहास, जब हमारे अंदर में सेवा की भावना रहेगी ना, जितने हम निष्कपट होकर के ठाकुर को सेवा करेंगे, हमारी सेवा की भावना को देख करके भगवान ये चीज अपने आप उसको देते, अपने आप। अगर हमारे अंदर में सेवा वृत्ति नहीं रहेगी तो बहुत कुछ करने पर भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए सेवा हमारे जीवन का मोल, इसलिए हमें काम चोर नहीं बननी चाहिए, काम चोर नहीं बननी चाहिए, सेवा की भावना। अभी हमारे श्री जनार्दन प्रभु जी आप कुछ सुनाएंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाने कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय रूप सनातन भट्टरघुनाथ शिजगोपाल भट्टशास्त्रघुनाथ शैव सायंकर चरणवंदन जाहयते विघ्ननाशमीष्टपुरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे साधन का सबसे प्रथम सोपान
से अन्य अंग की साधन जो है वो पूर्ति होती है। तो हरिदास ठाकुर जी से नाम तत्व को श्रवण किया। हरिदास ठाकुर कौन है? यहाँ पे भक्त है और भगवान भगवान है, परंतु भगवान होते हुए भी उनसे भी नाम तत्व को श्रवण किया। ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी से उन्होंने श्रवण किया वेद वेदांत इत्यादि को। ऐसे ही रूप गोस्वामी पाद जी से उन्होंने रस तत्व को श्रवण किया, है ना। स्वरूप दामोदर से भक्ति तत्व को श्रवण ही किया उन्होंने, और श्रवण रस को उन्होंने आस्वादन किया। यद्यपि महाप्रभु ये भगवान होकर के शिक्षा दे रहे हैं, तो यही शिक्षा ही हमारे लिए सर्वप्रथम का, हमें ये आचरण में सबसे पहले, मुझे ये आचरण में सबसे पहले लाना चाहिए कि सबसे पहले श्रवण। अब यहाँ पे जो एक प्रकार की, क्योंकि नित्य स्थान है परम गुरुदेव की, यहाँ पे जो नित्य आवेश है वो तो है ही नित्य, परंतु हम आज मैं आज यहाँ पे सुनने पंडितों को यहाँ पे सुन रहा हूँ, वो तो मैं कुछ समझ पा रहा हूँ कुछ नहीं पा रहा हूँ, परंतु ये सब कुछ मुझे विज्ञान जैसा ही लगता है। हम पढ़ते थे ना बचपन में कि पहले एच होता है कि हाइड्रोजन, फिर उसमें ऑक्सीजन इस प्रकार से मिलावट, फिर उसमें बहुत सारे प्रोसेस है, टेक्निक है, उसके बाद जल उत्पन्न होता है, किस प्रकार के बताया जाता था। इससे पहले कि मैं इस चीज़ को एक भाव ही समझ रहा था, और आज तक ये मेरे लिए भाव ही है। क्यों? क्योंकि अब तक कुछ अंदर से उपलब्धि तो है नहीं, इसीलिए भाव ही है, परंतु ये भाव नहीं है। जब हम इस सभा में बैठते हैं, ऐसी कथाओं को सुनते हैं, ये एक विज्ञान बन जाता है, विज्ञान नहीं। पहले ये भाव की तरह भक्ति को समझ रहे थे, परंतु अब ये क्या है? अब ये रस तत्व है, ये तत्व है, तत्व सिद्धांत है। अगर सिद्धांत नहीं है तो फिर इस प्रकार, यद्यपि ये नहीं है कि अगर भक्ति देवी उदय आ जाती है तो अपने आप ही सारे तत्व प्रकाशित हो जाते हैं, वो इतने तत्वों को फिर हमें पढ़ना नहीं पड़ता, समझना नहीं पड़ता, परंतु प्रारंभिक अवस्था में ये सब कुछ अनिवार्य हो जाता है, ये चीजों को समझना। अभी देखो ये रूप गोस्वामी की तिथि है, हम यहाँ पे रूप गोस्वामी के बहुत सारे वैशिष्ट महिमा को श्रवण कर रहे हैं। तो कवि जी ने लिखते हैं कि रूप गोस्वामी का उनका क्या अवदान है, तो उसके लिए वे कहते हैं कि अवतार सारा ही है, सब कुछ है उन्हीं का ही अवतार। उनके लिए श्लोक आता है ना, प्रिय स्वरूपे दैत्य स्वरूपे निज स्वरूपे तथानुरूपे, इस प्रकार के उनका जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि ये सबके रूप है, भक्त का रूप है, भक्ति का रूप है, भगवान के रूप है, उस सारे तत्वों का ये रूप ही है। जब तपन मिश्र के घर पे प्रभु पधार रहे थे, उस समय इन्होंने रूप गोस्वामी ने उनको ही जनाया एक श्लोक जो हमारे नित्य वंदना के समय हम कहते हैं, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर दृश्य नम। तो ये श्लोक को उद्घाटन किसने किया था? श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने। क्या दिखाते हैं कि एक व्यक्ति को अगर जनाना है तो उसकी नाम रूप गुण क्रिया इत्यादि को जना दो। मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति है, वो अगर उसके गुण हमें समझ के बड़ा दयालु है और ऐसा अद्वितीय, वो अद्वितीय है, उसके जैसा अद्वितीय कोई है नहीं, तो हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति उसी के ही बात कर रहे हैं, है ना। तो महाप्रभु के इस श्लोक के माध्यम से उनके गुण भी दिया, उनके रूप भी दिया, उनका नाम भी दिया, हर प्रकार से महाप्रभु के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया। सबसे पहले उनका गुण कैसा है? उनका गुण वो दानी है, दानी नहीं, ऐसा दानी है कि दानी को भी दान देने वाले। देखो दान की भी कुछ स्थिति, कुछ पात्र होती है। अगर दानी है तो वो दानी ही है, वो महादानी नहीं हो सकता, वदान्य नहीं हो सकता। क्या मान लीजिए कि कोई एक सेठ आदमी किसी व्यक्ति को 10 रुपए दे दिया, तो वो व्यक्ति 10 रुपए लिया। अब देखो दान में भी बहुत सारे जो कहते हैं ड्रॉबैक्स होते हैं, कैसे उस व्यक्ति ने उस 10 रुपए को लेकर के क्या करेगा, उसको गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, किसी और को दे दिया तो अगर वो भी सही इस्तेमाल करेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और
इस प्रकार से वो वस्तु जो वो दानी ने दिया था वो निम्न ही रहा, है ना। और दूसरा वो वस्तु अगर मान लो कि कहीं कभी उसको कभी दिया ही नहीं गया हो, परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता, एक भिखारी है, वो रोज जब भिक्षा करता है तो कई 10 रुपए उसके हाथ लगते हैं, इसका मतलब वो कोई अद्वितीय चीज उसको नहीं दिया, किसी ने 20 रुपए भी दे दिया होगा, तुम 10 रुपए दे करके क्या बड़े काम कर दिया, ठीक है ना। और दान का सबसे बड़ा चीज होना है कि वो अपना वस्तु होना चाहिए, परंतु जिसने 10 रुपए दिया या वो उसका वस्तु है वो कहां से किसी से लेकर के आया है। तो इन तीनों क्षेत्र से अगर महाप्रभु को देखा जाए, उन्होंने विशेष दान दिया है। क्या विशेष दान दिया है कि सबसे पहले तो उन्होंने जो चीज को दिया है वो हित ही है, उसमें किसी भी प्रकार के अहित नहीं हो सकता, जिसको दिया अथवा वो वस्तु जो लिया और वो जिसको दिया उसमें उसका किसी भी प्रकार से अहित नहीं हो सकता। उन्होंने क्या दिया, उन्हें भगवान की वो कहते ना अपनी वस्तु को दिया, क्या दिया कि स्वभक्ति की श्री दिया, तो उसमें भला इसका क्या अहित हो सकता है। कहते ना कि वो पतितों को भी पावन कर दिया और वो पतित ऐसे पावन हो गए कि वो जब पतितों को देखते हैं उनको भी पावन कर देते हैं, तो उनका यह दान की विशेष महिमा थी। दूसरी फिर कहते हैं कि उनके वो कहीं से ला करके नहीं दिया, महाप्रभु ने अपनी वस्तु को दान किया। फिर कह रहे हैं कि वो उस वस्तु से क्या किसी का हित हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी एक चीज है कि संसार में जो 3 ताप है, 4 दुख है, उन 4 दुख और 3 तापों से मुक्त करा के भगवान की परम धाम को लेके जाएगा, ये तो और ही अच्छी बात है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि उनका नमो महाबदान्य, इसलिए वो बदान्य है, कृष्ण प्रेम प्रदान है, काम क्या है जिसको देखो जारे देखे तारे करे। तो हर किसी को उन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति को दान किया। तो इस प्रकार से उनका ये काम है, नाम क्या है, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम पहले हम भी सुनते थे कि जब ये शरीर छूट जाता है तो ये आत्मा ही है, परंतु उपलब्धि क्यों नहीं थी, क्या हम पहले नहीं जानते थे, भक्ति में आने से पहले नहीं जानते थे क्या कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, चले जाते हैं आत्मा तो शरीर मृदा बन जाता है, परंतु था तो सब कुछ ज्ञान, अनुभूति इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो कभी शुद्ध गुरु तथा साधु के मुख से निसृत नहीं हुआ। आज क्यों, क्योंकि हेतु की कृपा, साधु भी शुद्ध अगर मिल जाए, अगर किसी के ऊपर हेतु की कृपा देना नहीं चाहते, भगवान करना नहीं चाहते, साधु करना नहीं चाहते, शुद्ध वस्तु को प्राप्त होने के बावजूद भी वो हृदय के अंदर उपलब्ध नहीं दे पाते। तो ये चैतन्यता को प्रदान करने के लिए महाप्रभु का अवतार, इसलिए उनका नाम कैसा भारती जी ने रखा, कृष्ण चैतन्य। उनका वर्ण कैसा है, कहते हैं कि उनका वर्ण जब वो राधा वैचित्रता को देख करके राधा जी के भाव का आस्वादन करने के लिए उनको आह्वान किया कि हे राधे आप मुझे अपने भाव को प्रदान करें, मैं भी देखना चाहता हूँ। कहते ना कि भगवान कौन है, अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम यह शक्य थे, जो नहीं को है को नहीं कर सकते वो भगवान है, परंतु यहाँ पे भगवान के लिए एग्जेंप्शन भी है, क्या कि वो एक चीज नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते कि वो कभी भी भक्तों को भगवत सेवा करते हुए कौन से प्रेमास्पद को सेवा करते हुए प्रेम रस के आस्वादन होता है वो नहीं जान सकते। इसी बात को ही जानने के लिए और सर्वश्रेष्ठ भक्त में जो भक्तों के भी आराध्या है वो राधा जी है, उनके भाव की कोटि कौन सी किस्म का हो सकता है, भगवान नहीं जा सकते। इसीलिए सबसे ऊपर की कोटि के जो भक्त के भाव है वो राधा जी के, इनके राधा जी के भाव का आस्वादन करेंगे। भाई भाव का आस्वादन करना क्या है, कृष्ण प्रेम को। अब कृष्ण प्रेम को जब आस्वादन करेंगे, प्रेम के दूसरा पहलू है विरह भी है, विलय के समय उसके बाद विरह भी हो जाता है, तो विरह के समय उनको कैसे कष्ट होता है वो तो नहीं जान सकते। इसीलिए राधा जी ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए राधा जी ने उनके अंग कांति के माध्यम से उनके शरीर में वो रक्षा कवच बन करके लिपट गई। अब क्योंकि जब विरह होगा, जब कृष्ण प्रेम में ये अपने सर को फोड़ने लगेंगे, जैसे कहते ना करोड़ों सूर्य के ताप जैसे गिरने लगेगा, तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। और हुआ भी, महाप्रभु जब प्रेम रस को आस्वादन करते हुए अपने शरीर को घात प्रत्याघात कर रहे थे, तो उस समय उनको कितना दुख हो रहा था, परंतु उस समय राधा जी उनके रक्षा कवच होकर के, इसीलिए राधा जी की अंग कांति, राधा जी ही उनके बाह्य स्वरूप के ऊपर आवरण मात्र आकर के इनका वो बड़ा गौर से मतलब गौर वर्ण के रूप
आप एक बात बताने वाले हैं कि ये सारा सबको जलाने वाले रूप गोस्वामी ही है। महाप्रभु को भी कहते हैं ना, प्रभु जी भी कह रहे थे कि को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत राधा माधव प्रीत, कौन जानता था। अब एक बात बताओ, जो कलि संतरण उपनिषद है वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र भी आया है। रूप गोस्वामी तो 450-550 साल पहले आए थे, तो कलि संतरण उपनिषद 108 उपनिषद में जो है वो तो वेदव्यास जी उनके परिकर गण रचना कर चुके थे। तो क्या उस समय महामंत्र था? फिर क्या बड़ी चीज दे दिया? ये एक तंत्र में लिखा गया है, तिलक, तिलक की महिमा बताया गया। तो तिलक भी पहले ही था, कंठी भी अनिवार्य था, छोटी सीखा, ये सब तो पूरा नहीं है। सब वेद, ये सब आदि शास्त्र में ये सब शास्त्रकारों ने रचना कर चुके थे, परंतु फिर भी वही चीज को महाप्रभु दिया। और उसके कहते हैं ना कि एक होता है करना, एक होता है समझ बुझ करके करना। माँ बच्चों को अपने दूध पिलाती है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बच्चा नहीं समझ सकता है कि माँ के दूध की क्या महिमा है, परंतु माँ जानती है इसको इस समय जरूरी है। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब बच्चा को समझ में आता है कि कैसा जरूरी है। एक तरफ वो देखता है विकलांग, क्योंकि उसको माँ के दूध कभी मिला ही नहीं, और खुद को देखता है जब, तब उसको समझ में आता है। अब उस दिन प्रभु जी पूछ रहे थे कि यहाँ पे गौड़िया कौन है। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि गौड़िया कौन है, गौड़ी तिलक धारण करना, कंठी चोटी ये वस्त्र हो, गौरी वस्त्र हो या माला करना, यही तो गौड़िया है। गौड़िया है ना, है गौड़िया नहीं? आज तो तीन दिन चार दिन से इस सभा में हमें जो परम गुरुदेव पाद ने जो ये चीज को हमें दिया है, इन चीजों को जब तक समझ में, प्रभु जी बता रहे थे ना कल संजय प्रभु जी, सारे विजातीय रस स्वजातीय रस एक परिप्रेक्ष्य में एक स्थान पे उपनीत होने पर भी भगवान की दृष्टि कहाँ पे है? उस लता के कुंज के अंदर जब राधा जी छुपी हुई होती है उन्हीं के ऊपर है। तो अब जब राधा जी भी सारे विपरीत भावों को अपने साम समझ वातावरण में अनुभव कर देखते भी है, परंतु फिर भी उनको अनुभूति नहीं होती, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका रस क्या है। तो इन भावना को, इन जो भक्ति की तत्वों को जो एक व्यक्ति समझ करके जब वो नाम करेगा, क्योंकि ये नाम क्या है, जब जीव गोस्वामी पाद नहीं आते, अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद नहीं आते, इन नामों में कि क्या रस छिपा पड़ा है वो कैसे जानते। इसीलिए वे सब एक माँ की भांति उस दूध की महिमा की जान करके ये हमें दिया। और हम पहले भी यही महामंत्र था, पहले भी लोग यही महामंत्र करते थे, फिर क्यों बोला गया कि अनंत चरण चिर, क्योंकि वो रूप गोस्वामी उस चीज को उद्घाटन नहीं किया था। आज 500 साल पहले देखो, शास्त्र भी दो प्रकार के होते हैं। शास्त्र एक तो भगवान ने आवेश में आकर के किसी से बना दिया, और ये भी अब जब कभी संत लोगों ने अपने अनुभूति को स्थापन कर दिया वो भी शास्त्र बन जाता है। तो ये संत कौन है? वही रूप गोस्वामी है। पर यहाँ पे एक बात है कि क्या रूप गोस्वामी हमारे लिए, जो रूप मंजर की जो बातें हम सुन रहे हैं कि किस इतने प्रकार के जो पहले मिश्रा केवला शुद्धा आरोप सिद्धा संघ सिद्धा, कल वहां पे बता रहे थे कि जो रति है, फिर उनके साधु संघ से लेकर के कितने आगे, हमने तो सुना था कि जो गति सोपान होता आदो श्रद्धा तथा साधु संघ भजन के अनर्थ निवृत्ति इत्यादि, उसमें भी कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से पांच और भी बढ़ जाते हैं। पहले साधु संघ साधु सेवा से पहले श्रद्धा होती है, श्रद्धा शुद्धा होती है, शुद्धा फिर जाकर के क्या होता है भजन श्रद्धा में परिवर्तन हो जाता है कि भाई जब साधु उपदेश देंगे उस प्रकार की श्रद्धा से सुनना, और एक होता है जबरदस्त बैठ करके सुनना। फिर श्रद्धा तो दो प्रकार के ना, लौकिक श्रद्धा परमार्थिक श्रद्धा, परमार्थिक में भी दो तीन प्रकार के हैं। तो इन चीजों को, इस चीजों को पहले तो वेद शास्त्र में नहीं किया था, नहीं दिया गया था, इसीलिए तो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु ने बोला कि इस बात को लिखो, तो फिर भी उन्होंने लिखा। अब प्रश्न होता है कि एक तरफ रूप मंजरी है, एक तरफ रूप गोस्वामी है, मेरे जैसे साधक मेरे लिए क्या है? क्योंकि जब शालिग्राम की अर्चन आरंभ है, जब गुरुदेव के अर्चन के उपरांत जब हम एक स्तुति करते हैं, राधा सन्मुख सशक्ति सखे संग निवासिनी तामन सततम वंदे माधवा सर्व विग्रह, गुरु की स्वरूप कैसा है कि राधा सन्मुख सशक्ति सखे संग निवासिनी, गुरु की स्वरूप कैसा है, राधा जी के सखियों के संग में रह करके जब वो माधव के आश्रम माधव के जो इस प्रकार की सेवा की परिपाटी को प्रदर्शन करते, कल बता रहे थे ना नरपम दास ठाकुर जी जो चंपक मंजरी किस प्रकार के लोकनाथ दास गोस्वामी के द्वारा उनको रूप मंजर को सौंप दिया गया था। तो इस
प्रकार के जो भाव की जो परिवेशन ये कौन कर सकता है, ये केवल गुरुदेव। क्योंकि अगर मैं करूं तो ये तो एक शब्द शब्द ही रहेगा, परंतु इन चीजों में जो प्रतिष्ठित है, इसीलिए रूप मंजरी गुरुदेव के हैं हमारे लिए रूप गोस्वामी। इसीलिए रूप गोस्वामी के जितने साधक, उनके जो आचरित जो आदर्श थे, उनके जो जीवन है, कैसे उन्होंने अपने अंदर वैराग्य को प्रतिपादन किया, वैराग्य करते करते एक साधक को जब ईशान के साथ जा रहे थे, कैसे उनको छोड़ा कि वृंदावन जाने का वास्तव परिचय क्या है, क्या परिपाटी होनी चाहिए, एक एक प्रकार से एक एक स्टेप दिखा करके युक्त वैराग्य क्या है, इन वैराग्य के बाद फिर आएगी दीनता, दीनता के बाद फिर संकल्प लेकर के जब हमारी निष्ठा रुचि तक आएगी तभी एक जैसे, नहीं तो हमें उल्टा स्त्री की तरह ही हमारा मन कभी इधर तो कभी उधर। भगवान अगर परीक्षा लेना चाहेंगे ना एक क्षण, गुरुदेव अगर परीक्षा लेना चाहेंगे एक क्षण भी हम मठ में नहीं टिक पाएंगे, ये हकीकत बात है। अगर कोई ऐसी स्त्री उपस्थित हो जाए, कोई अगर इस प्रकार के मन में विडंबना आ जाए, काम क्रोध भयंकर हो जाए, क्या हम रुक सकते हैं? परंतु वो जब सब कुछ हटा नहीं रहे गुरुदेव, उस बात की परीक्षा नहीं ले रहे भाई, बड़े बड़े संतों को नहीं हो पाया तो मुझे ऐसा क्या है। इसीलिए इतनी बड़ी बात राम इत्यादि और अन्य जो अवतार है उनके लिए मना किया है, क्योंकि उत्तम
उत्तम भक्ति के विषय में कृष्ण का है, भक्ति को कहने का मतलब कृष्ण ही और आने के लिए भक्ति का जो है तो लगती नहीं भक्ति करना तो बताए। और अनुशीलनता है दो प्रकार का, एक तो भाव रूप अनुशीलन एक कैसे रूप अनुशीलन। तो जो तो इस तरह से फिर बताया मतलब प्रतिकूल भी होता है अनुकूल अनुशीलन। तो अनुकूल के विषय में बताते हैं कि जो है तो इसमें फिक्र होना चाहिए, रुचिकर हो या ना हो चलेगा लेकिन उनके हितकर होना चाहिए। क्योंकि अगर रुचिकर रहेगा तो उसमें दो दोष आ जाएंगे, एक तो अतिव्याप्ति एक अव्याप्ति। अतिव्याप्ति बताते हैं कि इसमें अति देखी जाती है, जैसे कि जो मुष्टिक थे जब मंत्र में युद्ध हुआ कृष्ण से तो उसमें से कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा, ऐसा लग रहा था कि ये कृष्ण के रुचिकर है, उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य था कृष्ण को मारना, इसलिए ये भक्ति नहीं कही जाएगी, ये दोष है। और अव्याप्ति दोष बताते हैं जैसे सौदा मैया क्या कर रही है, उनको दूध पिला रही थी, उधर देखा कि रसोई में दूध जो तो गिरा जा रहा है तो कृष्ण को बैठा करके चली गई, ऐसा लग रहा है कि ये तो विपरीत हो गया, ये तो भक्ति है ही नहीं क्योंकि उसमें रुचकर नहीं देखा जा रहा है। लेकिन ये सौदा मैया जानती थी कि ये कृष्ण के लिए हितकर क्या है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यशोदा मैया भक्ति नहीं है। लेकिन नहीं, वो यशोदा मैया की भक्ति जो है तो भक्ति है, वो क्यों वो हितकर है, रुचकर हो ना हो चलेगा। तो इस तरह से शिला बताया इसके विषय में। आगे शिला रूप गोस्वाम की पाली ने हमें जो तो शिला नामष्टकम के विषय में जो हमें हमारे से बद्रियों के लिए बताया, कहते हैं कि नाम के विषय बता रहे हैं कि निखिल श्रुति मौलिगत नमाला तुति निराजित पाद पंक जानता अयमुक्त कुलाय उपासमानम परितस्ताम हरिनाम संसारी। कि जो उपनिषदों कहते हैं हे नाम प्रभु, जो उपनिषद है क्या करते हैं आपके चरणों की नक्की अंतर्भाग की आरती करते हैं। तो किस तरह से और मुक्त मुनि जो है, तो मुक्त मुनि लोग क्या करते हैं, उपासना करते हैं। तो इस तरह से नाम की महिमा को बताते हुए आगे कहते हैं यद साक्षात निष्ठा पे यद साक्षात कृत्रिम निष्ठा पे विनाश माया के बिना न होके अपैत नाम इस पूर्ण तत्व प्राप्ति करने से विरोधी बेटा। कहते हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्म जो है, निर्विशेष ब्रह्म की भक्ति यदि धारण की भांति हो जाए तो भी कहते हैं वो अपने प्रारंभ को खत्म नहीं कर पाते। वैसे तो ज्ञानियों की जो भक्ति है तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं कि क्लेशो अधिकृत देवाम अवेक्षा सत्य चेतसाम अवेक्षा ही करते दुखम देवर्धी रवापते। कहते हैं उनकी जो भक्ति साधन काल में कष्ट और सिद्ध मिल जाए उनको भक्ति उसमें भी कष्ट कष्ट क्योंकि ये शरीर में शक्ति है, अब उस चीज का ध्यान करते हैं जो कि कहते हैं कि जिसका कोई रूप नहीं है कोई गुण नहीं है, उनको कैसे ध्यान करोगे। तो इस तरह से ज्ञानियों की जो भक्ति बताते हैं कि उनको हर तरह से कष्ट है, साधन में भी और वस्तु प्राप्ति में भी कष्ट है। तो उनकी भक्ति में सदा कि अपने प्रारब्ध भी नष्ट नहीं कर पाते, लेकिन जिसकी जीवा पे नाम अगर एक बार आ जाए तो कहते हैं कि उसके प्रारब्ध अप्रारब्ध कोटि की सब नष्ट हो जाते हैं। और वेद जो है इस चीज का जो है तो बड़े उच्च स्वर से गायन करते हैं। तो इस तरह से रूप गोस्वामी पाद जी ने नामष्टकम बताया। और आगे बताते हैं कि क्योंकि बताया कि वेदे रामायण में ये पुराने भारतीय तथा आधा अंत चा मध्य चाहरी सर्वज्ञ थे कि सारे वेदों में पुराणों में रामायण में महाभारत में हर जगह नाम की महिमा गायन हुआ है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद जी और आगे बताते हैं कि यदा भाषो कवरित भगवान तभी हो श्रीसम तत्व धारण अपनी सती भक्ति पढ़ाई। तो बता रहे कि आभास मात्र से ही जो है तो क्या होता है अंधकार दूर हो जाता है। तो ऐसे ही नाम आभास से जो है तो हमारे सारे पाप और अपराध नष्ट हो जाते हैं। तो और कहते हैं कि जो अंधा व्यक्ति है वो तो देख नहीं पाता, लेकिन कहते हैं कि अंधे व्यक्ति क्या होता है कि भगवान का जो नाम जो है तो उसको सारे तत्वों के सिद्धांतों का जो है ज्ञान हो जाता है। ये कृपा नाम प्रभु कहते शिला रूप गोस्वामी पाद जी बताते हैं। और लेकिन जो विद्वान पंडित है अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है, लेकिन कहते हैं वो पंडित जब तक नाम प्रभु का आश्रय नहीं लेगा तब तक कहते हैं वो सब व्यर्थ हो जाता है। तो इस तरह से नाम प्रभु के विषय बताते हैं। लेकिन हमारे जो है ऐसे नाम में कभी रुचि तो होती नहीं है। कारण बताते हैं सीधा उपदेशावध में कि सियात कृष्णाम कचार सिद्धांत विद्या कहते हैं कि अभी हमें पीरिया हो गया। पीरिया मतलब कि हम अनादि काल से जो है तो भगवान से महमुख हो गए, इनके कारण से आज हम भगवान का नाम लेते हैं। तो कभी वो अनिष्ट वजन क्रिया वाली स्थिति हो जाती है कि लैंगिक क्षेत्र मतलब प्रतापति और रसा स्वाद कसार ये जो हमारे साथ सबसे पहले आते हैं, नाम करो सो जाते हैं, अगर नींद ना आए तो नाम माला ले लो सो जाओ, बढ़िया नहीं आते। तो इस तरह
पांच जो हमें सीधा उपनिषद में ये जो है बताया कि अभी हमें क्या है पीलिया रोग हो गया, अनादि काल से हम कृष्ण से बहिर्मुख है, इसके कारण से जो है तो हमें नाम में हमें आनंद नहीं आ रहा है, तो ये दूर कैसे होगा? कोई कहे कि पीलिया हो गया है, अब उसको मिश्री खिलाफ बढ़ गई लगती है, मिश्री में खाऊंगा नहीं, तो नहीं उसको फिर भी खाना पड़ेगा, क्योंकि वो पीलिया का रोग मिश्री खाने से दूर होगा। यानी कि जो हमारा अनादि काल से हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए हैं, ये नाम करते करते हम उन्मुख होंगे और कोई मार्ग है ही नहीं, कि कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर भर ही पा रहे, क्योंकि नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है संसार में, क्योंकि इसीलिए सीधे रूप गोसाई पर नाम के विषय बताते हुए आज कहते हैं कि जो उन्होंने एक सबसे बड़ा दान दिया, कहते हैं कि उन्होंने महाप्रभु के विषय बता के महाप्रभु का वर्णन किया कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरव से नमः। कहते हैं कि कृष्ण क्या है? वदन्याय है, लेकिन महाप्रभुओं ने महावदन्याय क्यों है? क्योंकि कृष्ण क्या करते थे, अगर किसी को प्रेम दिया भी है तो एक तो पहली बात उन्होंने देवड़ी बांटी, अपने अपने को दे दिया हुआ, लेकिन सबको नहीं दिया, लेकिन अगर किसी को दिया भी है तो मार करके दिया, तो शरीर में नहीं दिया किसी को, जब पूछना को ले लो अगर जिसने इसको दिया उसका शरीर में नहीं दिया, उनको मार करके सदगत नहीं दिया, लेकिन महाप्रभु को कैसा महावदन्याय है, उन्होंने ऐसा प्रेम दिया कि अगर किसी एक व्यक्ति को प्रेम दिया उसने किसी और को दिया उसने किसी और को दिया और प्रेम चलता चला गया, सब शरीर में प्रेम दे जगाई मदाई को दिया उन्होंने अगले को दिया, तो ये महाप्रभु का यही महावदन्याय। और आगे कहते हैं कि महाप्रभु ने जो हम जीवों के लिए बताया, कहते हैं कि अनंत चरित्र चिराद करुणया और देवकला समर्पित उन्नत उज्ज्वल शाम सब भक्ति श्रिया हरिपुरण सुंदर रुचि कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुट हुआ सचिनंदना। कहते हैं जो अनादि काल से अर्पण नहीं हुआ था, काफी लंबे समय से हमें वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी, वो श्री गौ सुंदर ने हमें दिया क्या? स्वभक्ति श्रियम, अपनी भक्ति ने अपनी भक्ति का श्री कौन सी परकीय भाव और मंदिरी मंदिरी भाव दिया, तो ये और कहते हैं स्फुट हुआ सचिनंदन आयत सचिनंदन गौ धरी मेरे चंदर यानी कि मेरे हृदय रूपी गुफा में मेरे उसमें स्फुरण हो। तो इस तरह से महाप्रभु का श्री रूप गोस्वामी पार्टी का बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे मेरे से पद युद्ध पर, नहीं तो पद जब तक कि हम भी जो है तो वही करते हैं, कभी लक्ष्मी नारायण को उपासना करते थे कभी कहीं करते थे वंशा करते बस कृपा सिंधु के होता बचता ना और इससे बड़े और कोई बोलने वाले हैं अभी बोलेगा आप बोलो और यहाँ पर कौन पंडित जाओगे हर कोई पंडित है अरे बोल सकता हूँ देखो उनकी कथा बोलने के लिए उनका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। देखो जैसे ये बच्चों ने कोशिश किया बोलने के लिए पता नहीं कितना दिन से दिमाग में कब होता है क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसलिए जब कोशिश करके बोलने के लिए फिर हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, उनकी विषय में बोलने के लिए फिर शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मथुरा में जब बड़ी गुरु जी रहते थे जब मैं एकदम पहले आया मथुरा में पहले आया गुरुदेव जब कथा करते थे बहुत भक्त लोग बैठे हुए थे, तब एक दिन गुरुदेव मेरे को बोले बोले प्रशानंद बोलो, मैंने कहा गुरुदेव मैं नहीं बोल सकता, तो गुरुदेव ने बोले मैं तेरा आदेश पालना करता था तू मेरा आदेश पालन करता, इसलिए तब गुरुदेव ने बताया देखो जब हम किसको विषय पर बोलते हैं ना वो बोलना नहीं उनके चरण में एक फूल देता है उनके चरण में एक पुष्पांजलि देता है। जब हम किसी को मथुरा में जो गुरुदेव रहते थे हम लोग गुरुदेव कैसे सिखाया जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनका कोई तिथि आएगा ना गुरुदेव सबको खड़े करते सबको खड़े करते थे, इसलिए जितने हमारे सन्यासी और ब्रह्मचारी थे उन घर में जाओगे ना बात सब तैयार करना शुरू करते क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे हैं गुरुदेव पूछेंगे तो उसको कोई देख नहीं, इसलिए गुरुदेव पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे सब के सब तैयारी करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है 10-15 दिन जैसे अभी राधा जन्माष्टमी आएगा राधाष्टमी आएगी गुरुदेव सबको खड़े करते हैं और हमारे ब्रह्मचारी सन्यास लोग 10-15 दिन से वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं मैं क्या बोलूँगा अलग अलग शास्त्र ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब शास्त्र ढूंढते हैं फिर पढ़ना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा तब तक आप जाकर कुछ बोल सकते हो नहीं तो बोल ही नहीं सकते हो, इसलिए गुरुदेव से ही सभी को उज्ज्वल दे दे करके खड़े खड़े करके गुरुदेव ने सबको उन्हें सिखाया। एक दिन शरीर को तो गुरुदेव बहुत ही डांट लगाया गुरुदेव श्री
की आई। गुरुदेव जब मैं मथुरा पट में आया ना, देखा मथुरा में कथा रूपी गंगा की नदी बह रही। कोई गुरुवर्ग का तिथि आए तो चार बार दिन में चार बार कथा होती। सवेरे गुरुदेव बैठ कर कथा सुनाए, फिर 10 बजे फिर गुरुदेव बैठे, फिर उनकी बाहर में बोलेंगे, फिर उनकी चरण में पुष्पांजलि देंगे, फिर शाम को फिर गुरुदेव 4 बजे बैठेंगे, हैं, फिर उसको बाद में जब आरती हो जाएगी ना संध्या आरती, फिर गुरुदेव बैठे। दिन में गुरुदेव 4 बार बैठते थे और एक एक विषय वो पूरे मन में, हाँ दोपहर में गहरे गहरे। इसलिए प्रभु जी मथुरा में रहे ना, हम लोग तो एक साथ गहरे थे। इसलिए गुरुदेव ऐसे ऐसे शाम को बलदेव विद्या तिथि आ गई, तिथि आ गई तो गुरुदेव बोलते थे तुम बोलो। लेकिन गुरुदेव कहे कि नहीं, बता क्या है, पहले जो व्यक्ति एक बार बोल देगा उसका रिपीट नहीं कर, पहले जो बोलेगा ना, अब बोला हुआ चीज को रिपीट नहीं करनी फैमिली, नहीं कोई नई विचार बताओ, नई सिद्धांत बताओ। तब बलदेव विद्या विष्णु गुरु का तिथि आए, आए तो उसको पहले जो महाराज लोग थे हैं वहाँ पर उनको बोले, भले तुम बोलो, बोल दिए, 2-3 व्यक्ति बोल दिए। अभी 14 नंबर में गुरुदेव मेरे को बोले, बोले रसानंद तुम बोलो। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो सबके सब बोल ही नहीं, मैं तो सोच रहा था बोलने के लिए तो कोई रखे ही नहीं, सबके सब बोल दिए, अभी मैं क्या बोलूँगा, नहीं बोल सकता। गुरुदेव ऐसे डांट लगाए, गुरुदेव ने क्या बताया, बोले पिता माता की सेवा तुमने नहीं की, उनको धोखे दिया। बोले तुमने पिता माता की सेवा छोड़ के आए, तुम धोखे दिए, अब मंदिर में क्या खाने और सोने के लिए आए? गुरुदेव का क्या खाने और सोने के लिए आए? नहीं, यहाँ पर आए हम गुरु वर्ग का विचार, हमारे शास्त्र सिद्धार्थ को सीखने के लिए आए। अगर पिता माता की हमने सेवा नहीं की, अगर इधर आकर के अगर शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, सेवा नहीं करोगे, अरे हम सबके सब गुरु पिता माता के लिए ही रह जाएंगे, हैं? जब कोई अगर घर बार छोड़ करके आए, अगर भजन तुम नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? नियम है जगत में आने पर 6 तरह का ऋणी से मुक्ति होनी चाहिए, देवता ऋषि पिता माता राजा ये सब ऋणी से मुक्त होनी चाहिए। लेकिन ये मुक्ति मुक्त कैसे होगी? बोले सर्वात्मनाजम शरणम शरणम, वही मुक्ति हो सकता है जो संपूर्ण रूप में भगवान की भक्ति करे, भजन करे, वही केवल ऋणी से मुक्त हो सकता है, नहीं तो ऋणी से मुक्त नहीं हो पाओ। इसलिए गुरुदेव कहते थे, फिर मंदिर में आए इसलिए खाने और सोने के लिए, इतने गुरुदेव डांट लगाया सबको सामने, मैं इतने डर गया, इतना डर गया मैंने, हे भगवान सबको सामने गुरुदेव मेरे को डांट लगाए। अगर हमें कोई फिर से डांट लगा दे तो हम घर छोड़ करके आए, हम लिखा पढ़ाई किया, हम यहाँ डांट खाने के लिए आए, हम तो रहे गुरु जी माला कटी लो, हम तो जा रहे। लेकिन गुरुदेव मेरे को इतना डांट लगाया, देखो गुरुवर्ग का डांट भी कितने सकती, उसी दिन से मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, गुरुदेव का डांट खा गए मेरे जीवन परिवर्तन हो गया। फिर तो जब कोई तिथि आता था ना, मैं पंछी का देखना शुरू कर देता था कौन सा तिथि आएगी, और 15 दिन पहले 10-15 दिन पहले मैं तैयारी करना शुरू करता था। अगर गुरुदेव खड़े करते तो फिर क्या बोलूंगा, फिर उनके जीवन चरित्र को फिर उनके जीवन चरित्र में पढ़ना शुरू कर देता था, उनके जीवन चरित्र में पढ़ना शुरू कर देता था। इसलिए फिर ऐसे ही करते 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 कहते गुरुवर्ग का जो शासन है वो शासन भी बड़े कल्याणदायक, बड़ा मंगलदायक, गुरुवर्गों का शासन बड़े मंगलदायक। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, शास्त्र हमारे गुरुवर्गों ने कितने शास्त्र ग्रंथ कितने बनाए, दूसरे संप्रदाय में इतना ग्रंथ शास्त्र ने उन्होंने तो इतना कष्ट करके बनाया, लेकिन कम से कम तो पढ़े, ऐसे नहीं मंदिर में आए खाए और सोए, कोई भजन साधने का कोई चेष्टा नहीं, फिर क्या होगा, घर में भी पिता माता की सेवा नहीं किया और मंदिर में भी आकर के यहाँ भी धोखे और वहाँ भी धोखे रहने दिया। इसलिए आकर के हमें सिंसियर होकर के गुरु वैष्णव सेवा भगवान की भक्ति ग्रंथा में अध्ययन करनी, तब भी हम ऋणी से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, गुड्डी गुड्डी आ जाते हैं, आज इधर आ जाते, देखो मेरी गुड्डी
आप बोला प्रभु जी, आप बोल पाओगे? हाँ देखो, एक जगह जो बेटी है ये मथुरा की है, और इनका जो परिवार है ना, हमारे गुरु जी की पूरा इनका परिवार आश्रित है, और इनके इतने गुरु वैष्णव की सेवा इन्होंने किया, इतने इनके परिवार हैं परिक्रमा जी को घर में जाएगा, जितने मंत्री में अक्सर करके मंत्री के इतना ठाकुर है ना, इन लोगों का दिया हुआ है, जहाँ इतना ठाकुर जी, इन लोगों का दिया हुआ सारे ठाकुर जी, ये बचपन में मंदिर में आते थे, आ करके जितने गुरुदेव कथा सुनाते थे सब नोट करते, सबके सब नोट करते, और नोट करके सब कथा भी लिखते थे, और नोट करके लिखते 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 अभी भागवत कथा करते, अलग अलग जगह में जा करके भागवत कथा करते। देखो एक चीज को समझो, जैसे कि गुब्बारा है, लेकिन ये गुब्बारा गुब्बारा में जब तक तो उसमें हवा नहीं भरोगे ना, वो हाथ में अगर रखोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, पकेट में भरोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें जो हवा भर दोगे देखना, फिर आप कहीं से छुपा नहीं सकते उसमें, कहीं उसको कहीं छुपा नहीं सकते हो। अभी हवा भरने का काम, इसका मतलब है जब तक हम जीवन में कोई लक्ष्य नहीं तय करने के लिए, आप देखना जीवन में कोई चीज, एक इंजीनियर डॉक्टर बनता है पहले लक्ष्य रहता है, हमें ये करना है, दुनिया में डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर बनना है, जब लक्ष्य करके फिर वो साधन करना है, नहीं तो साधन नहीं कर सकते, वो पढ़ाई नहीं कर सकता। इसलिए ये भक्ति जगत में अगर तुम कुछ लक्ष्य नहीं करोगे ना, ये भागवत कथा करने के लिए इतना पढ़ाई, श्लोक याद करना, पढ़ाई करना, ये करना, बहुत कुछ की अभी जगह जगह में जा करके कथा कर, तभी तो कथा करते हैं, थोड़ी कथा नहीं करता। इसलिए बैठने आकर के अगर तुमने खाए पिए और सो गए, खाए पिए अगर जिंदगी में देखोगे जिंदगी ऐसी बीत जाएगी, कुछ नहीं होगा, सारा जीवन बैठ में रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसमें हवा भरनी चाहिए, हवा नहीं भरोगे ना बस जीवन ऐसी बीत जाएगी, जीवन ऐसे कुछ जीवन में नहीं, इसलिए हवा भरो, इसमें जीवन में हवा भरो, नहीं तो जीवन ऐसे ही, जीवन तुम्हारी ऐसे बीत जाएगी, हवा भरने का देखो। राजा देख के बड़ा प्रसन्न हो गया, तो बोले बड़ी सुंदर बिल्डिंग बनाई है, तो
इमारत जैसी बनाई थी, बड़ी सुंदर बनाई, तो वो जो कारीगर था उसने कहा महाराज में तो इससे भी अच्छी बना सकता, बोले इससे भी अच्छी बना सकता तुमने इससे क्यों नहीं बनाई, तो लेके उसको लेके ऊपर से लेकर बोले ये बना सकते इससे भी अच्छे बना सकते, ऊपर से लेके गिरा दिया, मृत्यु हो गई। ये और भी जो देख कर डर गई, अब एक से कहा जाओ ले आओ, अब क्या ले आओ कहाँ जाओ कुछ नहीं बताया, अब वो बड़ा घबरा है, अब मार तो राजा के साथ हिम्मत नहीं कि क्या कुछ पूछे कि क्या ले आओ कहाँ कहाँ जाओ क्या ले आओ। अब ये दोनों थे अमर और संतोष, एकदम उनको देख कर बोले कि क्या बात है तुमने परेशान क्यों, क्या बात है, तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी पूरी घटना बता दी, बोले जाओ और ले आओ। तो उन्होंने एक अच्छे कारीगर को उनके साथ में भेजते हुए लेके जाओ, तो वो राजा के पास में लेके गए, तो राजा ने कहा कि मैंने तो तुमको बताया नहीं था क्या लेके आओ और क्या कहाँ जाओ क्या लेगा, तुम कैसे लेके आओ, बोले एक थे एक सज्जन व्यक्ति उन्होंने मेरे को बताया उनको लेके आओ। फिर उनको गोस्वामी जो अमर थे उनको लेके आए, उनको लेके राजा ने इतना इंटेलिजेंट ये है मतलब छोटी सी ना इशारे में समझ जाता है, फिर उन्होंने इस कारण उन्होंने अपने आप नौकरी में रखी, लेकिन नौकरी को कुछ दिन रहे निकल के चले गए। सनातन गोस्वामी के बाद प्रधानमंत्री के लिए मंत्री के रूप में वो प्रधानमंत्री के रूप में, फिर उसके बाद में ये निकल के आ गए रामकेले ग्राम में। रूप गोस्वामी बात को चेतन माँ को बोले, उन्होंने उनको शिक्षा प्रदान की उनको, और कहा तुम वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाकर चार काम के लिए भेजा। उन्होंने चार काम क्या था, एक लुप्त दिल को दान करना, एक विग्रह प्रकाश करना, और एक है शास्त्रों का पढ़ने करना, और सदाचारों सबका सबको शिक्षा देना सदाचार। और तो सब कामों ने लुप्त तीर्थ को उद्धार किया, उन्होंने सदाचार प्रणन भी किया और ग्रंथों की रचना की, लेकिन गोविंद देव जी को ठाकुर जी उनको विग्रह प्रकाश जो बता रहे वो नहीं कर पा रहे थे, तो बड़े दुखी हो गए कि मैं अपने प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा। एक दिन जमुना किनारे बैठे थे, जमुना किनारे पर रो रहे थे बैठे बैठे, तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आए और कहने लगे क्या कारण तुम क्यों रो रहे हो, तो कहने लगे कि मैंने अपने प्रभु का सब काम किया, लेकिन एक काम मैं अपने प्रभु का नहीं पा रहा, वो मेरे को काम करना, क्या काम है, मतलब काम ये है कि ठाकुर जी को प्रकाश करना है। तो उन्होंने बताया कि देखो यहाँ पर गोमा टीला है, गोमा टीला पे एक गाय बोल जाती है, वहाँ पर अपने आप उसके थन से दूध झड़ता है, वहाँ पर जाकर तुम कुछ अनुसंधान करो। तब रूप गोस्वामी वहाँ पर आई और देखा कि सचमुच में गाय आती है, ऑटोमेटिक उसके थन से अपने आप ही दूध गिरता है। जब उन्होंने देखा कि दूध गिरा है तो हटा के देखा, टीले पर से मट्टी मट्टी हटा के देखी तो वहाँ गोविंद देव जी की विग्रह उनको मिल गई, बड़े प्रसन्न हो गए और गोविंद देव जी को स्थापन कर दिया। स्थापन करने गोविंद देव जी आज जो मूल ठाकुर जी हैं वो आज जयपुर में हैं, गोविंद देव जी के जो मंदिर में मूल ठाकुर जी जयपुर में। अब इन्होंने शास्त्र का हम अब मैं तो चलने चलना करें क्योंकि वो परसों से हम लोग सब कुछ सुन ही रहे हैं, कोई ऐसा बाकी बचा ही पॉइंट हम बोल सके। कल भी बड़े सुंदर बोल रहे थे अच्छे तो बच्चे थे कि हमारे गुरुदेव हर समय ये बात बोलते थे कि रूप गोस्वामी में रूप मंजरी है, रूप मंजरी में रूप गोस्वामी नहीं है, ये हर समय बोलते थे। इसका कल बड़े से विश्लेषण किया था कि रूप गोस्वामी में रूप मंजरी है, लेकिन रूप मंजरी में रूप गोस्वामी क्यों नहीं है, कारण यह है कि रूप मंजरी जो है सब समय चौबीसों घंटा राधा जी की सेवा में रहती है, और रूप गोस्वामी जो है उन्होंने जगत में एक वही रूप गोस्वामी रूप हम जैसे बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए उन्होंने इतने सारे शास्त्रों को लिखा, और उसमें भी क्या एक ही तत्व की बात है, सिद्धांत की बात है सारी हमको बताई। अभी हम सुन रहे थे श्रद्धा से लेके कहाँ तक आदो श्रद्धा का तो साधु बदन की राधा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम कहाँ कहाँ तक और दूर अलीमोड़ भाव महाभाव कहाँ कहाँ की स्थिति ऊपर तक माधना के माँ बाप तक की स्थिति को उन्होंने एक एक की परिभाषा अच्छे से देखे। उन्होंने विशेष करके दो ग्रंथों की विशेष ग्रंथ है ये उज्ज्वल पड़ी और भक्ति रसाम सिंधु। जो भक्ति रसाम सिंधु जो ग्रंथ है हम लोगों सभी के लिए सभी के लिए एक साधक के लिए, लेकिन जो उज्ज्वल नीलमणि जो ग्रंथ है वो है तो साधक के लिए, लेकिन उसमें विशेष विशेष बातें लिखी हुई है, पूरी माधुर्य रस में भरा हुआ है वो और कोई रस के लिए नहीं है, केवल माधुर रस के लिए वो ग्रंथ है। और उन्होंने एक पैसे विशेष था कि उन्होंने रूप गोस्वामी को जैसे रूप गोस्वामी को पता है
सबको कि बोल कर बताने के लिए, क्योंकि हमारे रूप को स्वीकार ने ये बोल कर बता दिया कि ये चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ये इनका एक विशेष बात है। और इनकी विशेष वैशिष्ट ये है कि ये है कि ये राधा जी की सुख में सुखी और दुख में दुखी राधा जी की अंतरंग सेविका है। तो एक विशेष एक जो भाव उल्लास सती के बारे में वर्णन आता कि भाव उल्लास सती है क्या है। भाव उल्लास सती को कहते हैं तब तो भाव इच्छा में भी कहते हैं, संभोग इच्छा मई योग्य तत्व भाव इच्छा मई। तो संभोग इच्छा मई तो सखियों की बात में आ जाती है, उनके सामने विलन की बात आ जाती है। लेकिन जो तो तत्व भाव इच्छा मई होती है वो होती है केवल राधा जी की ही सेवा में सेवा करनी है और कृष्ण को राधा जी के कृष्ण के सामने मिलाना है। अपने स्वयं मिलने की स्वतंत्र इच्छा नहीं है इसमें। एक बार वृंदा देवी राधा जी से कहने लगी श्याम सुंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तो वहां पर आओ। जो वृंदा देवी है वो दोनों साइड में कृष्ण साइड में भी है और राधा जी की साइड में भी है, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ तो कृष्ण की तरफ है। तो उन्होंने कहा राधा जी से कि तुम जाओ और श्याम सुंदर इंतजार कर रहे हैं, तुम उनसे मिलने के लिए जाओ। लेकिन पास में रूपमंजरी बैठी हुई थी। अब रूपमंजरी क्या कह रही है, रूपमंजरी ये कह रही है कि देखो वृंदे इस समय बारिश का मौसम है, बहुत बारिश हो रही है, कीचड़ कीचड़ हो गई है और अंधकार का समय हो रहा है। शाम का समय अंधकार का समय है, अंधकार के समय में दिखाई भी नहीं पड़ता है और सांप बिच्छू भी बारिश के मौसम में निकल के आ जाते हैं। और हमारी श्रीमती राधा रानी जाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो कीचड़ में पैर फिसल जाए उनका या कोई बिच्छू या कोई सांप डर जाए। इससे बढ़िया यही है कि आप ही क्यों ना श्याम सुंदर को यहाँ पर ले आओ, मतलब श्याम सुंदर को तुम यहाँ पर हमारे स्वामी जी के पास में ले आओ मिलाने के लिए, भाई स्वामी जी को कष्ट ना हो जाने के लिए। तो उनका ये है कि राधा जी को हमारा जरा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए भाई स्वामी जी। और दूसरी एक बात यह है कि जो ये पूर्ण रूप में राधा जी के समर्पित हैं ये जयदेव गोस्वामी बाजो थे वो भी परम भक्त हैं, लेकिन उनका थोड़ा कृष्ण की तरफ झुकाव है। तो उन्होंने कहीं भी खुल के ये नहीं लिखा कि राधा जी के चरणों में श्याम सुंदर समर्पित है। अभी वो गीत गोविंद की रचना कर रहे थे उसमें लिख रहे थे स्मर कर खंडलम मम शिरसि मंडलम। अब इतना तो लिखे लेकिन उनकी कलम रुक गई, इससे आगे वो लिख ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। बंद करके बाद में चले गए स्नान करने के लिए। स्वयं श्याम सुंदर ने आके उसको अपने स्वर्ण अक्षों में लिख दिया देई पद पल्लव उदाहरण, ये उन्होंने लिख दिया। तो कहने का मतलब है कि जो क्या कहते हैं जयदेव गोस्वामी इस बात को नहीं लिख पाए उस बात को हमारी मंजरी अति मंजरी और जो है हमारे प्रोग्राम चलते हुए हमारे उन्होंने भी ये लिख दिया। जो राधा जी के पक्ष में राधा जी की लाइफ में राधा जी के पक्ष में उन्होंने भी लिख दिया क्या ये इंग्लिश हो जाए कल्पा को मारे एकदम परस पुरुष शिखंड मोले जस्या कदा रसुदेव विश्वान हो जाए तब के लिए भवनांगन मार्जन श्याम। और ये क्या कह रहे हैं एक दिन राधा जी मान में बैठी हुई है मान में टूट के बैठी हुई है तो आज मान राधा जी कह रही है आज मैं किसी काले का दर्शन नहीं करना चाहती, आज क्या करो अपनी तुम्हारी जो गौ है ना इनको भी चंदन से रख लो सारे बालों को कपड़े से ढक लो फूलों से सफेद फूलों से ढक लो मैं आज दर्शन नहीं करना चाहती काले का। तो राधा जी मान करके बैठी हुई है श्याम सुंदर मनाने के लिए अंदर जा रहे हैं लेकिन रूप मंदिर दरवाजे पर खड़ी है रूपमंजरी दरवाजे में खड़ी है। तो रूपमंजरी के चरणों में गिर के श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे रूपमंजरी मुझे अंदर जाने दो स्वामी जी से मिलने दो ये कह रही है। तो श्याम सुंदर शिखंड शेखर है जो पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक है वो काम क्या कर रहे हैं किसके चरणों में पढ़ रहे हैं राधा जी के नहीं सखियों के नहीं उनकी जो मंजरियां हैं उनकी जो सेविका है उनके चरणों में काफी विनती कर रहे हैं कि काफी विनती करके कह रहे हैं कि मुझे राधा जी की सेवा मुझे अंदर प्रवेश करा। तो देखो हमारी राधा जी की कितना वैशिष्ट है और देखो राधा जी का क्या सभी लोग बांके बिहारी के पीछे हैं भगवान सारी दुनिया के विश्वमान नायक श्याम सुंदर के पीछे सारी दुनिया पागल है। श्याम सुंदर स्वयं कहते हैं कि सारा जगत मेरे पीछे पागल है। लेकिन श्याम सुंदर किसके पीछे पागल है वो किसके पीछे पागल है बैठे पलोटक आदि का माया वो क्या कर रहे हैं वही श्याम सुंदर सेवा कुछ में जाकर देखो राधा जी के चरणों को दबा रहे हैं नहीं दबा रहे
ऐसी जो हमारी स्वामी जी हैं और उन्हीं के ही अनुगत में जो रूपानु है उनको स्वामी की अनुगत में रूप मंजरी की अनुगत में हम लोग सेवा कर रहे हैं। हम अपने को अभी तो हम डिसलाइक हुए नहीं है, हम रूपानु का एक अभिमान हमको मिल गया, हम रूपानु है, हमको इस टाइम में जाना है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम वर्गों से हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ हमको सिखाया, बहुत आज से नहीं कितने 20-25 साल हुए सभा को चलते 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 उस सभा को गुरु महाराज आज भी हैं, हमारी दृष्टि से अवजोर हो गए हैं, लेकिन आज भी प्रत्यक्ष रूप में ये सब देख रहे हैं। हमारे पूज्यपाल श्री मत्स्येन्द्र महाराज जी ने इस सभा को गुरु जी की हमारे जो मनोविष्ट चल रहा था उस मनोविष्ट को हमारे पूज्यपाल सीता महाराज जी ने इसको अभी तक उसको चला रहे हैं और गुरु जी की कृपा से ये आगे चलता ही रहेगा। और आज मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम करती हूँ। वंचा गर्भ दृष्टि के पास परिक्रमा करते हैं।